أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمتي فهو عن أمي. फोजायस वम युब लेमन दाली का यानी अगर कोई शख्स कहे कि मेरी ज़मीन या मेरा बाग अल्लाह के लिए सदक़ा है मेरी माँ की जानब से तो इस तरीके से वक्फ़ करना जायज़ होगा अगरचे कि ये वाद न करे कि किस के लिए सदका किस को दे रहा है ये सदका लेमन दाली का किस को ये सदका दे रहा है बस लीला कहे كافي قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يعلى انه سمع إكرمة يقول انبأنا ابن عباس رضي الله عنه ان سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت امه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخرافة صدقة عليها وفي رواية أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها इक्रम रजिया इक्रमा कहते हैं कि इबन अब्बास रजिया ने कहा कि साद अबिनबादा रजिया की माँ जब वफात पाई उस वक्त साद रजिया मौजूद नहीं थे बाद में उन्होंने रसूल रसोलकमलम से पूछा कि मेरी माँ वफात पा गई और मैं मौजूद नहीं था तो क्या हमारी माँ को फ़ायदा पहुँचेगा अगर मैं उनकी जानिब से सदक़ा करूँ आपने कहा तो सदबिनबादा ने कहा मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मेरा बहुत बेहतरीन बाग सदका है माँ की जानिब से एक रिवायत में है कि सादबिनबादर कहते हैं कि मेरी माँ इंतकाल कर गई इस हाल में कि वो ग़ायब थे तो साद कह रहे कि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ इंतकाल कर चुकी है मैं मेरी माँ इंतकाल कर गई जबकि मैं घर से गायब था तो क्या उनको फ़ायदा पहुँचेगा अगर मैं उनकी जानिब से सदक़ा करूँ हायत दीवार के लिए होते हैं तो हायत उस बाग को कहा जाता है जो चार दीवारी से घिरा हुआ हो मखराफ खजूर का बाग या बहुत ज़्यादा फल देने वाला बाग इसे मखराफ कहा जाता है इस हदीस से कुछ दावती दुरुस मुस्तबत होते हैं उन्हीं में से यह है कि, कि अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो उसे आलिम से पूछना चाहिए चुनाच शादबिनबादा को ये पता नहीं था कि अगर मा, मैं माँ की जानब से सदाका करूँ तो उनको उसका फ़ायदा पहुँचेगा तो बजाय इसके कि अपनी तरफ से कुछ बात सोचते और कर लेते करने से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराज़ा किया पूछा तो हर काम से पहले अगर काम का पता है कि ये काम जायज़ है या नाजायज़ तो करे अगर काम का पता नहीं है कि मुफीद होगा या मुफ़ीद नहीं होगा तो उसे आलिम से रुजू करना चाहिए जैसे उर्बाद रदीआलान्होंने रसुलकरम सल्ल वम से रुजू किया और हुक्म भी यही है क्या कहता है फ़स अलू अहल ज़िक्र इनकन तुम ला तमन के अहल ज़िक्र वलमा से पूछो अगर तुम नहीं जानते तो कोई भी मसला मालूम ना हो तो बजाय इसके कि हम कर लें उसके बाद पूछने जाएँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए पहले पूछें बताने के बाद उनकी रहनुमाई में हम काम करें दूसरा मसला के नेट काम में देर नहीं करना चाहिए जैसे ही उबादारदी को पता चला के माँ की जानिब से सदका करना उसको फ़ायदा पहुँचाएगा उसी मजलिस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि फ़लाँ मेरा बाग है जिसको मैंने सदका कर दिया तो नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए जैसा कि इससे मालूम होता है कि जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कुरान भी यही हुक्म दे रहा है कहा अल्लाह ने वह सारे उतम मब व जम नती अर्दोह समावत सारे जल्दी करो अल्लाह की मकफरत तलब करने के लिए उस जन्नत की तलब में जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है हैद्दतलमतकीन दूसरी आयत में कहा इन कानू ये सार फिल खैरत वन ना रम व रहबन व कानून नाकाशिन कि जकरिया आलम ये खैरत की तरफ जल्दी करते अच्छे कामों में जल्दी करते हमें पुकारते हमारी जन्नत की तलब में जहन्नम से खौफ में और ये हमारे नेक बंदे थे तो इस तरीके से नेक कामों में जल्दी करनी चाहिए इससे मस्जिदों के दाई को सखी होना चाहिए उन्हें इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि कैसे हम सदक़ा के जरिए से खैरात के जरिए से अल्लाह ताला की तुरबत हासिल करें और अच्छा से अच्छा माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए कि करें हाएती अलमिखराफ मेरा बेहतरीन बाग जो बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला है उसको मैं सदक़ा कर रहा हूँ और कुरान करीम में भी हुक्म हुआ लंतनाबिरता तफ़िकु मिम्मा तो हिब्बोन इंसान को जो पसंदीदा माल हो वो अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तो उसका सवाब कहीं बढ़कर है इस आयत से भी मालूम होता है कि ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि मस्जिद की जानब से सदका करना अच्छी चीज़ है चुनानचे आपको आपने उनको रगबत दिलाई और खासकर कर का तल्लु वालद से हो कि वालदी का वालदान का हक़ बच्चे पर औरों से कहीं बढ़कर है वालदे का हक बच्चे पर औरों से कहीं बढ़कर है चुनान से कहीं है। एक शख़्स ने अल्लाह के रसूल सलासल से पूछा हल बाकिया मीन बिर अब यह अबर रहुमा है कि माँ बाप के साथ हसन सलूक में कोई चीज़ बाकी है कि उनके इंतकाल के बाद मैं कर सकूँ तो कहा गया फ़कीला इन नाम कहा गया कि रफील ने कहालातम हाँ, वफ़फ़ार व इनफ़ा व इनफ़ाद वहद हीमा कि भाई असला तम यानी तुम उनके लिए दुआ करते रहो उनके लिए इस्तार करते रहो उन्होंने किसी से कोई वादा किया है उस वादे को पूरा करो उनके रिश्तेदारों के साथ उन खानदानी जो तल्लक़त हैं उनको कायम रखो सिर्फ रिश्ता ही के लोग नहीं बल्कि अगर उनकी किसी से दोस्ती थी तो उनकी भी तक्रीम करो तो ये बिर बिल, बिल वालदे कहा है कि वालदेन की वफात के बाद भी उनके साथ अच्छा सलूक उनके किस किन कामों से उनको सवाब मिले किन कामों से अल्लाह तौर माफ़ फरमाए ये किया जाना चाहिए तो इसमें से ये मालूम होता है कि हमें जो कुछ मालूम हो उस पर अमल करना चाहिए जैसा कि सहाबी को जैसे ही पता चला कि हमारी माँ के लिए हमारा सदक़ा मुफीद होगा तो उन्होंने सदक़ा किया तो एक दाई को चाहिए कि जय लोगों के लिए नमूना बने एक दाई को चाहिए कि लोगों के लिए नमूना बने कि वो खुद लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और उस पर अमल करते हैं तो साद इबिनबा ने अमल करके दिखाया कि हमने सिर्फ़ दिल की तस्किन के लिए फतवा हासिल नहीं किया है हमने अमल के लिए हासिल किया है और अमल करके दिखाया तो जो भी किसी बात के बारे कोई शख्स किसी से कोई सवाल करता है तो सवाल बरा सवाल ना रहे ब्राय इल्म ना रहे बल्कि बरा अमल होना चाहिए जैसा कि साद इबिनबादा ने बराल सवाल किया था तो हमारा भी हम में से भी कोई जो बातें हमारी सुन रहे हों और वो कुछ पूछें या न सुने कुछ पूछें तो उनको चाहिए कि पूछ करके खामोश ना रह जाएं उनमें से किस पर वो अमल कर सकता है उसको अपनाने की कोशिश करें तो ये आज के ये इस हदीस के मुस्त होने वाले मसाइल हैं अल्लाह हमें इप अपनाने की तोफ़ी क़ता फ़रमाएँ इस हदीस से फवाक मजद की जानब से सबका काम करेगा क्या रसूल कम शार्फी ने कहा हाँ इससे बज़ाहिर मालूम होता है इस आयत से वल सलील इंसान इल्ला मासा वल सलील इंसान लाम आशा कि इंसान को तो वही चीज़ काम आएगी जिसकी वो कोशिश करेगा जो खुद करेगा वही उसको काम आएगा तो यहाँ तो वो खुद नहीं किया बल्कि बच्चा उसकी जानब से सदक़ा कर रहा है और उसको काम आ रहा है तो ये कहिए कि वल सलील इंसान इल्ला मासा ये आम है और ये ख़ास है।, है कि मुस्तना है कि इंसान को कोई काम नहीं आएगा मगर उसने जो कुछ किया है हाँ मुस्तना है उससे कि बच्चा उसकी जानब से सदका करे बच्चा उसके लिए दुआ करे ये सब काम आने वाली चीज़ है जैसा कि इरा माताल इंसान इन हो होन सरास कि जब इंसान इंतकाल कर जाता है तो उसका अमल उससे मुन हो जाता है सिवाय तीन बातों के सिवाय तीन बातों के अमलनस है औरदानसारत भी इल्म छोड़े

चाहिए और हदीस को समझना चाहिए सिर्फ़ एक हदीस को लेंगे या एक आयत को लेंगे तो हो सकता है सही माना हम ना समझ पाएँ तो इसलिए और आवाम जो एक आवाम जो पढ़ रहे हों मतलब कुरान तर्जुमे का पढ़ रहे हों हदीस तर्जुमे का पढ़ रहे हों उसमें बहुत सारे इश्काल हो सकते हैं तो उनको चाहिए फ़सल धिक्रमा से रजू करें ताकि उसका सही माना उनको समझाया जा सके बात किया है कि ऐसी जगहों पर सदक़ा का इजहार बेहतर है छुप कर सदक़ा करने से कि साहबी साद नवाद रजिया ने रसूल करम सल वसम के सामने सदक़ा का इजहार किया छुपाया नहीं इसमें हमत ये थी कि हम अपने सवाल में मुखलिस हैं हम अपने सवाल में मुखलिस हैं हम करना चाह रहे हैं और करके दिखाया और करके दिखाया तो बसा अवकात सदक़ा ऐलान करना अफजल होता है और वो भी जब सदक़ा में जल्दबाजी मकसूद हो कि हम कहीं बाद में हमारी नियत में फतूर ना जाए बाद में कहीं हमारी नियत में फतूर ना जाए हम सुस्त ना पड़ जाएं इसलिए नेक काम है अच्छा मशवरा है इसको फ़ौन क़बूल किया जाए फ़ौन नाफिज कर दिया जाए कब इसके के इस हिल आए यानी उसमें फतूर आने पाए सुस्ती आने पाए तो नेक काम में वही कहा कि जल्द जल, जितनी जल्द हो सके नेक काम में कदम आगे बढ़ाना चाहिए वो सारे वे इलाम अकसर मीर